अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सभी को मुबारक हो। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में हम सुबह का सारा काम हो चुका है, मॉर्निंग रूटीन भी हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो आज मैं मेरे लंच में बनाने वाली हूँ अंडे का सालन, यानी अंडा रेसिपी। तो क्विक एंड ईजी रेसिपी बताओगी, आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना अंडे की रेसिपी, अंडे का सालन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं अंडे का सालन बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोली कि आज अंडे का सालन बनेगा मेरे लंच में और डिनर में भी वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अंडे उबलने को मैंने रख दी हूँ। तो अभी शुरू करेंगे आगे की रेसिपी, क्या क्या मसाला डालना है। तो मेरी क्विक एंड ईजी अंडे के सालन में मैं डालने वाली हूँ ये टुकड़ा नारियल और एक टुकड़ा कांदा, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और दो ग्रीन चिली ली हूँ मैंने, ग्रीन चिली डालूँगी इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो ऑनियन कट करके लगनी में डाल दियो और दो चिली डाली हूँ मैंने ऐसे कट करके। आप अपने हिसाब से कट करिए, जैसे आपको कट करना है। अगर जिसको कांदा चाहिए वो ज़्यादा कांदा भी डाल सकते हैं, और जिसको कांदा नहीं चाहिए वो स्किप करके डायरेक्ट अदरक लहसुन डाल सकता है। अगर डालना है तो कांदा डालिए, टेस्ट आएगा, नहीं डालना है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे आपको चाहिए कम ज़्यादा। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए। तो यहाँ पर मेरा कांदा ऐसे नरम हो चुका है, मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और मैंने देखिए यहाँ पे दो ऑनियन कट करी हूँ, ऐसे मोटा कट करी हूँ, तभी ये ऑनियन मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये नरम हो जाए। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मेरा टमाटर नरम हो चुका है ऐसे, और अच्छा सॉटे हो चुका है अदरक लहसुन में। इसके बाद मैंने ली हूँ 1 टेबल स्पून, सॉरी हल्दी गिर गई थी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, मैंने धनिया पाउडर ली हूँ आधा चम्मच, मैंने नमक ली हूँ 1/4 चम्मच, मैंने गरम मसाला पाउडर ली हूँ, और 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून नहीं चम्मच मैंने अंडा मसाला मिलूँ जो रेडीमेड मिल जाता है स्टोर में, और मैंने आधा चम्मच हल्दी ली हूँ। अदरक लहसुन नरम होने के बाद अभी हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। तो मैं अपने अंडे के साल में थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करी ताकि थोड़ी स्वाद आए, खुशबू आए उसमें, ठीक है। तो देखिए मसाले अच्छी तरह भून रहे हैं। तो अभी मैंने देखिए ऐसे पेस्ट, फाइन पेस्ट कर दी हूँ। मैंने दिखाई थी ना आपको कि खोपरा और कांदे का मिक्स मैंने दोनों ली थी और इसको मैं अभी पीसती हूँ, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या है थोड़ा ग्रेवी थीक हो जाएगी और पतली नहीं रहेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा आपको। तो अभी मैं इसमें मिला दूँगी, यहाँ पर मेरे अंडे उबल के पड़े, अभी इसको मैं छील कर फिर इसमें ऐड करती हूँ। तो मेरी ग्रेवी देखिए इतनी ठीक हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर अंडे छील दी हूँ। तो मैंने अंडों में ऐसे कट लगाई हूँ, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लंबा लंबा मैंने कट लगाई हूँ अंडों में। तो आप भी ऐसे कट करिए ताकि अच्छे से होए। हाँ कुछ कुछ अंडे मेरे टूट चुके हैं, तो चलता है खाने में तो ऐसा सब होता ही रहता है। अंडे की स्किन बहुत ही पतली रहती है तो वो टूट जाती है, ऐसे हो गए। और एक अंडा तो काफ़ी हद तक कवर ही निकल गया, तो वो भी चलते हैं। तो देखिए मैंने अंडा डाल दी हूँ और अभी मैं इसको थोड़ी देर पकने छोड़ूंगी, फिर इसमें हम धनिया मारेंगे। तो क्विक एंड ईजी रेसिपी मेरी तैयार है अंडे की सालन की। तो अंडे का सालन रेडी हो चुका है, देखिए मस्त तरी आ चुकी है। आप इसे लो फ्लेम में थोड़ा पकने रख दीजिए, मैंने छोड़ दियो। अब हम इसमें डालेंगे मैजिक इंग्रेडिएंट जो है हरा धनिया, जो हमने अच्छे से धोकर भिगोकर रखा था तो डाल दिए हमने। फिर मिलेंगे हम खाने के टेबल पे आपको।